गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज मैं ये लेकर आई हूँ, एक जो है लहसुन को मैंने छीलने का और प्रिजर्व करने का तरीका तो बताया हुआ था, स्टोर करने का। और जैसे डेली कुकिंग की मैं यूज़ करने वाले होते हैं तो आपको चाहिए होता है इसको। तो आप क्या करोगे, एक टिश्यू पेपर लोगे और टिश्यू पेपर से आप ये जिप बैग होती है जो इस तरीके से होती है, या नमकीन नमकीन की पैकेट भी आती है आप मार्केट से, उसमें भी लगी होती है जिप, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और ये करीब आपके 2 से 2.5 महीने या 3 महीने तक प्रिजर्व रह सकते हैं। तो आप इसमें इस तरीके से जिप बैग में लगा लीजिए नीचे की तरफ, इस तरीके से इसको थोड़ा सा फैला लीजिए। फैलाने के बाद इसमें आप थोड़ा सा गार्लिक को या लहसुन की कलियों की इस तरीके से डालिए। डालने के बाद ज़्यादा नहीं भरना है आपको, कम से कम डालना है, मतलब थोड़ा ही। और आप देख लीजिए लहसुन की कलियाँ जो हैं क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, भीगी हुई नहीं होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। इस तरीके से रख के एक और टिश्यू पेपर लगा दीजिए और इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। इसी तरीके से आप जो है किसी भी कंटेनर में आप रख सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से लॉक कर दिया है, जब आपको यूज़ करनी है तब आप इसको निकालिए और इसमें से निकाल कर, ये साइड से ना थोड़ा बहुत दिख भी रहा है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी सेफ़ रहेंगी और अच्छी रहेंगी। आप इसको 2 से 2.5 महीने तक यूज़ कर सकते हो। और इसी तरीके से आप ये कोई प्लास्टिक का जो है बाउल हो, जो मतलब एयर टाइट कंटेनर हो, मेन बात ये है कि एयर टाइट कंटेनर है, इस तरीके से इसको भी इसमें लगा लीजिए अच्छी तरीके से और इसमें डाल दीजिए कलियों को, और इसको इसमें डालकर स्टोर कर दीजिए, इधर से बंद कर दीजिए। या तो आपके पास है कांच की बोतल, मेरे पास ये कांच की बोतल है, इसमें हनी थी तो मैं हनी ख़त्म हो गई थी, तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसको मैंने सुखा लिया है। सुखाने के बाद इसमें भी आप इसी तरीके से रख सकते हो, आप इसमें टिश्यू पेपर ना लगाओ तो भी चलेगा, बट अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। टिश्यू पेपर से अगर कोई मॉइस्चर्स वगैरह होंगे तो टिश्यू पेपर उसको सोख लेगा। तो इसमें लगाने के लिए या तो इसको इस में ऐसे करिए और इसमें गार्लिक को रख लीजिए ऐसे ही, गार्लिक को इस तरीके से रख के आप इसमें छोटे छोटे पार्ट में रखिए, गार्लिक को इस तरीके से इसमें स्टोर कर लीजिए और इसको रख को फ्रिज में स्टोर कर लीजिए अच्छी तरीके से, कांच की बोतल को और जिप बैग को और कंटेनर को। और ये जो गार्लिक बना हुआ है, गार्लिक के साथ आप इसमें अदरक ले लीजिए और हरी मिर्च ले लीजिए, इन तीनों को पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना के किसी भी कांच की बोतल में रख कर उसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दीजिए और उसको भी आप फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। और आप इसको 2 से 3 महीने तक बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है डीप फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ 4 मंथ तक की हो सकती है, बट अगर आप नॉर्मली फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं इसको तो ये 2 से 2.5 महीने तक आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इसकी खुशबू भी नहीं जाएगी, ये टेस्ट भी अच्छा होगा। और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप देख सकें मेरी वीडियो को। और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।